आप लोगों ने आजकल के बॉडी बिल्डर्स तो देखे होंगे, अपनी बॉडी को स्टेज के बाहर भी अपने फैंस को दिखाते हैं, और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि बॉडी बिल्डर्स अपने आप को शीशे में बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 6 बारी ओलंपिया चैंपियन डोरियन येट्स उसका ऑपोजिट करते थे, अपनी बॉडी को स्टेज पर जाने से पहले ढककर रखते थे और ज्यादा शो ऑफ नहीं करते थे। इसका क्या कारण था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। डोरियन एक बहुत ही अलग सोच वाले बॉडी बिल्डर थे अपने टाइम में, जहाँ पर इनके साथी बॉडी बिल्डर्स अपने बॉडी को शीशे में देखकर खुद को निहारा करते थे और मोटिवेट होते थे। डोरियन येट्स वहीं पर जिम में अपने कपड़े उतारते भी नहीं थे ट्रेनिंग के वक्त, और ढककर अपने शरीर को रखते थे। डोरियन का मानना था कि जब तक स्टेज पर ना पहुंच जाए तब तक अपनी बॉडी को ढककर रखते थे। इसका कारण था डोरियन का माइंडसेट। डोरियन नहीं चाहते थे कि लोग और वो खुद अपनी बॉडी को शीशे में देखकर अपनी तारीफ सुने, क्योंकि तारीफ डोरियन की किसी काम की नहीं थी स्टेज पर जाने से पहले। इसलिए अपने शरीर को ढककर रखते थे। इस कारण से वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग कर पाते थे और मेहनत कर पाते थे अपनी तैयारी में। और डोरियन एक बहुत ही रहस्यमयी बॉडी बिल्डर थे अपने टाइम में। ओलंपिया जीतने के बाद दुनिया की नजरों से दूर चले जाते थे लंबे अरसे के लिए, और इससे हमें ये पता लगता है कि दुनिया हमें क्या भला बुरा बोले उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अपने गोल पे फोकस्ड रहना चाहिए और आगे